All right. So today we will start with modes of vibration of an air column open at both the ends. हमने कल देखा था कि हमारे पास एक पाइप है जो वन एंड पे क्लोज्ड है और उसके जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे वो हमने स्टडी किए थे. टुडे विल बी स्टडीइंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम बोल सकते हो ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स. Open at both the ends. बहुत सिंपल है. यहाँ पे जो हम लोग ओपन एंड दोनों एंड ओपन की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पाइप है जो दोनों एंड्स पे ओपन है. That's it. So we can define what is this. This is like An open organ pipe is a long cylindrical tube. जैसे हमने कल closed pipe को define किया था वैसे इसको भी define कर देंगे. It's a long cylindrical tube open at both the ends containing air column. Containing an air column and open at both the ends. Right. So, इस केस में boundary condition जैसे last case का boundary condition क्या था कि जहां पर भी open end है वहां पे एंटी नोड होगा, जहां पर भी closed end है वहां पे नोड होगा. यहाँ पे दोनों एंड ओपन है तो यहाँ का बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग यू विल गेट एंटी नोड्स एट बोथ द ओपन एंड्स. सो द बाउंड्री कंडीशन डिमांड्स दैट एंटी नोड इज फॉर्मड at both the open ends right. बहुत सिंपल है. तो एज वी सॉ डिफरेंट मोड्स यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट मोड्स का स्टडी करेंगे. तो लेट अस सी व्हाट इज फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड. सो फर्स्ट मोड इन दिस केस फर्स्ट मोड ऑफ कोर्स इट इज वेरी सिंपल. बहुत सिंपल है ये. सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट सेशन. सो इन द फर्स्ट मोड हमारे पास एक ओपन पाइप है. नाउ यू नो अगर हमारे पास पाइप दोनों एंड पे ओपन है और दोनों एंड पे अगर एंटी नोड बनना है राइट तो बीच में एक नोड होगा. ऐसा तो वेव हो नहीं सकता ना. यू कैन नॉट हैव लाइक दिस. दिस इज नॉट अ वेव राइट. तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए दैट इफ बोथ एंड्स हैव एन एंटी नोड देयर शुड बी अ नोड इन बिटवीन इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. You will have something like this. तो यहाँ पे आपका एक लूप बनेगा राइट. दिस इज द वन लूप हाफ एंड हाफ. ओके तो यू शुड नो ये है आपका टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल एल दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू क्यूब. क्योंकि एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का कंजुगेटिव डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई टू. यह है आपका
लेंथ ऑफ पाइप, यहाँ पे आपका ई दैट इज एंड करेक्शन, यहाँ पे आपका ई दैट इज एंड करेक्शन, राइट। तो फर्स्ट मोड में क्या होगा, इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज फंडामेंटल मोड, यू हैव इन टोटल वन लूप, यू हैव टू एंटी नोड्स एंड वन नोड। सो इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड, मोड ऑफ वाइब्रेशन, देर आर टू नोड्स, टू एंटी नोड्स एंड वन नोड, एंड वन नोड, राइट। बहुत सिंपल है, इन दिस केस लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज, इन दिस केस लेंथ ऑफ एयर कॉलम is L equal to lambda by 2, so lambda is equal to 2L, then where lambda is wavelength of the wave, if N is the frequency of vibration of this mode, if N is the frequency of vibration of this mode, then हमको पता है v is equal to n lambda होता है, तो n equal to v by lambda होगी, so that is v by 2 times of l, and we also know that in this case जो corrected length है, so let us say equation number 1, okay, but in this case corrected length matlab actual length of the air column, corrected length is l equal to small l plus 2 times of e, 2 times of eq, kyunki as you can see ki dono ends pe end correction hoga, so that's why 2e, therefore fundamental frequency n is v upon 2 times of small l plus 2 times of e, equation 2. So equation 1 and 2 gives fundamental frequency for a pipe, for an air column open at both ends, for a pipe open at both ends. Right? So, what simple hai, only thing that you have to do here is just to connect. Agar dono ends pe pipe open hoga, to us case mein fundamental frequency kya aane wala hai. Ek end pe agar open hoga, to kya hoga? दोनों एंड पे अगर ओपन होगा तो दोनों एंड पे आपके पास यू आर गोइंग टू हैव एंटी नोड्स एट बोथ द एंड्स, राइट। सो इट इज दैट सिंपल, तो बहुत सिंपल सा केस है, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, ओके। यस, सो लेट अस सी व्हाट इज सेकंड मोड, तो सेकेंड मोड भी बहुत इजी है। सेकेंड मोड में क्या होगा, देखो ये पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, सिमिलर केस है। अगर आपको याद होगा स्ट्रिंग के लिए भी फंडामेंटल मोड में एक लूप बना था, दो एंटी नोड एक नोड था, दो नोड एक एंटी नोड था वहां पे, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर स्ट्रिंग के केस में ऐसा आता है, वो दो नोड्स और एक एंटी नोड, लेकिन एक लूप कंप्लीट फंडामेंटल में। यहाँ पे एक लूप होता है कंप्लीट बट विथ टू एंटी नोड्स एंड वन नोड, राइट, ओके।
सेकेंड मोड में क्या होगा, दो लूप बनेंगे. इन सेकेंड मोड यू विल हैव टू लूप्स. ओके, सो यू विल हैव टू लूप्स विद थ्री एंटी नोड्स एंड टू नोड्स. तो पहले तो दो नोड्स को मार्क कर दो. लेट अस से वन नोड विल बी हियर एंड अदर नोड विल बी समवेयर हियर. ओके, तो अब ये कैसे दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये ऐसा दिखने वाला है मोर और लेस. ओके राइट, तो वापस से एज यू कैन सी यू हैव टू नोड्स एंड थ्री एंटी नोड, वन टू एंड थ्री, थ्री एंटी नोड्स एंड इन टोटल देयर आर टू लूप्स. और ये जो है ये आपका हो गया लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू. देखो ऐसा है, एंटी नोड टू एंटी नोड मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और लैम्बडा बाई टू. तो ये टोटल हो गया लैम्बडा, मतलब ये आपका आ गया लैम्बडा वन, लैम्बडा वन क्यूब, क्योंकि इस मोड में वेवलेंथ अलग है. एंड दिस इज एन करेक्शन ई, दिस इज एन करेक्शन ई एंड दिस मच इज स्मॉल एल, बेसिकली लेंथ ऑफ द क्यूब. ओके राइट, सो यू शुड नो दिस थिंग. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट एवरीथिंग in figures now. So in this mode of vibration three anti nodes and two nodes are formed. Iska matlab hota hai two loops are formed, right? तो सिमिलर लाइन पे हम लोग लिखते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वहाँ पे वही लिखेंगे. तो यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रिमेम्बरिंग थिंग्स. तो यहाँ पे वैसे लिखना, व्हाट इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दैट इज लैम्डा वन, राइट. सो द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज गिवन बाय, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज L equal to lambda 1, where lambda 1 is the wavelength. Where lambda 1 is the wavelength. Similarly, if N1 is the frequency of vibration in this mode, is the frequency of vibration in this mode, then N1, which will be V by lambda 1, and lambda 1 is nothing but L. So main sirf half matlab 2 over 2 adjust karne wala hu. So V by 2 L is nothing but 2N. Okay, so ye aapka aa gaya 2 times of N. Iska matlab this frequency is first overtone, which is second harmonic, right? And definitely aap likh sakte ho L ki jagah pe, you can write down. So I can just, so this is equal to 2 times of N, or this is equal to 2 times of V by 2 L. So 2 to hata bhi diya agar maine, I will go one step back. I can write this as V upon L plus 2E. The capital L is L plus 2E in this case. Or I can write N1 equal to V upon L may 2 or 2 adjust kar diya to 2N. Right? So let us say this is some equation number 3. For example, 3. Right? So equation 3 gives frequency of this mode of vibration, of this mode, right? So as you can see, this is first overtone, that is 2N, and that is second harmonic. So this is first overtone, which is second harmonic,
तो अभी अगर थर्ड मोड देखते हैं हम लोग, तो लेट्स सी हाउ थर्ड मोड लुक्स लाइक। थर्ड मोड, तो पहले मोड में वन लूप, दूसरे में टू लूप, तो तीसरे में तीन लूप, सिंपल। तो तीन लूप कैसे बनेंगे? देखो, कनेक्ट कैसे करना, जब हमारे पास फंडामेंटल मोड था, फर्स्ट मोड था, एक लूप था, एक लूप में दो एंटी नोड और एक नोड था, राइट? एंड देन सेकेंड मोड में तीन एंटी नोड, दो नोड, यहाँ पे चार एंटी नोड और तीन नोड्स। तो पहले तीन नोड्स को मार्क कर दो, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज लास्ट वन हियर, मोर और लेस, राइट? ओके, सो जस्ट लिटिल करेक्शन यहाँ पे, और लेट अस पुट इट हियर। तो आ गए आपके तीन नोड्स। तो अब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ देखिएगा आपको। ओके, राइट। सॉरी, माय ड्राइंग इज पैथेटिक। तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना, समथिंग लाइक दिस। या तो यहाँ पे इफ यू नाउ सी द लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम एल, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई टू, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई टू, और एक लैम्डा बाई टू, तो थ्री लैम्डा बाई टू। ओके, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा टू बाई टू। ओके, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो वापस जैसे हमने लिखा है, सिमिलर लाइंस पे हम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिस्टम को, इन कॉन्फ़िगरेशन को। इन दिस मोड देर आर फोर नोड्स, फोर एंटी नोड्स एंड थ्री नोड्स, फोर एंटी नोड्स एंड थ्री नोड्स, एंड दीज आर लाइक as you can see total, in total three loops, right? The length of air column is given by the length of air column is given by L is equal to 3 lambda 2 by 2. Okay, right, the lambda 2 is the wavelength, where lambda 2 is wavelength of the wave. Now if we consider the frequency to be n2, if n2 is the frequency of this mode, then n2 is equal to, you know, that is v upon lambda 2, or lambda 2, as you can see here, is आप 2L by 3 है, therefore lambda 2 is 2L by 3, तो ये आ जाएगा आपका v upon 2L by 3, that is equal to 3 टाइम्स ऑफ n, राइट? तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया, और यू कैन राइट डाउन 3v बाय 2 टाइम्स ऑफ l प्लस 2v इन टर्म्स ऑफ n करेक्शन एंड लेंथ ऑफ द पाइप। ओके, राइट। सो देयरफॉर दिस इज सेकंड ओवरटोन, और थर्ड हार्मोनिक। तो व्हाट इज आर जनरल ऑब्जर्वेशन, हमने जनरली क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी एन, सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी टू एन, थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी थ्री एन, फोर्थ मोड का फोर एन। तो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब याद कैसे रखना है? याद आपको ऐसे रखना है कि जो एक आप स्ट्रिंग लेते हो, स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव का केस, ओके,
मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, उसमें भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। मतलब स्ट्रिंग और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दे आर मोर और लेस सेम केसेस। वहां पे भी एक लूप बनता है, यहाँ पे भी एक लूप बनता है पहले मोड में, फंडामेंटल में। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि वहां पे जो एक लूप बनता है फंडामेंटल में, वहां पे दो नोड और एक एंटी नोड होता है, यहाँ पे दो एंटी नोड और एक नोड होता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। तो बहुत सिंपल है, याद रखना, इट्स नॉट नॉट अ बिग डील बाय द वे। एनीवेज, सो इम्पॉर्टेंट इज व्हाट कंक्लूजंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम व्हाट एवर वी हैव लर्न टूडे सो फार फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, पहला, अगर मैं फ्रीक्वेंसीज का रेशियो लेता हूँ तो आई गेट N1:2, N2:2, N3:1:2, N3:4, बिकॉज ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो पहले ये लिखते हैं ऑल द हार्मोनिक्स, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, क्योंकि फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, राइट। So all harmonics are present as overtones. So okay, for a pipe open at both the ends. For a pipe open at both the ends. Dusra, the frequencies ratio between frequencies is given by ratio between frequencies is N1:2, N2:3, ये आपका आएगा 1:2:3 एंड सो ऑन। थर्ड, इफ यू सी वेरी प्रॉपरली, फर्स्ट ओवर टोन थर्ड टू एन, मैं लिख सकता हूँ 1+1 टाइम्स ऑफ एन। सेकेंड ओवर टोन जब 3n, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2+1 टाइम्स ऑफ n। थर्ड ओवर टोन जो आएगा वो आएगा 4n, मतलब आई कैन राइट 3+1 टाइम्स ऑफ n। मतलब पीक ओवर टोन इन जनरल, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। तो इन जनरल पीक ओवर टोन विल बी 3+1 टाइम्स ऑफ n, राइट। सो दैट इज अ जनरल थिंग, सो वी हैव टू राइट दैट इन जनरल pth overtone is given by, so for pth overtone we will have np is equal to p plus 1 times of n, where you need to be careful while selecting the values of p. You need to be careful, okay? You cannot put p equal to 0, बिकॉज पी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद का पहला हायर फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज वेयर टेक्स्ट बुक्स समटाइम्स डू रॉन्ग थिंग्स। सो यू हैव टू स्टार्ट पी फ्रॉम वन, राइट, 1, 2 एंड सो ऑन। अदरवाइज आपको अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 2p+1 आएगा, ओके, राइट, not 2p but plus 1, sorry, but anyways, that will become complicated. Anyways, so pth overtone ke liye, because we're talking about overtones, p equal to 1 dunga, so n1 equal to 2n aega, that was correct, right, n2 equal to 3n aega, and so on so forth. So for pth overtone, frequency of pth overtone is p plus 1 times of n, and p starts from 1, it doesn't start from, it does not start from 0. This is what you should know, right? So bahut easy hai. At the end of the session I will also repeat again. Now humko dekhna hai ye jo end correction ki hum log baat kar rahe hain, how can we determine this end correction practically, right? So let's see practical determination of end correction.
जस्ट अ मिनट. सो प्रैक्टिकल डिटरमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन. राइट, तो आइडिया इज सिंपल. वी जस्ट वॉन्ट टू हैव टू डिफरेंट पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर एंड डिफरेंट लेंथ्स. ओके, सो वी कैन डिटरमाइन एंड करेक्शन प्रैक्टिकली यूजिंग टू पाइप्स. राइट, वी कैन डिटरमाइन एंड करेक्शन प्रैक्टिकली यूजिंग टू पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर of same diameter but different lengths. Different lengths. L1 and L2. अब सेम डायमीटर क्यों बोल रहा हूँ? Because I already know that E is 0.3 times of D. अगर मैं दो पाइप लेता हूँ और दोनों का डायमीटर अलग अलग है तो पहले के लिए इंटरेक्शन आएगा E1 इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ D1, दूसरे के लिए आएगा A2 इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ D2. तो पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली. सो यू कैन नॉट फाइंड आउट इफ यू हैव टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स. तो वी आर कीपिंग सेम डायमीटर बट लेंथ्स आर डिफरेंट. राइट, देन अगेन फर्स्ट केस, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरेक्शन जो है वो पाइप ओपन एट वन एंड मतलब क्लोज एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड दोनों के लिए होता है. सो वी कैन डिटरमाइन फॉर बोथ. सो फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड देखो लॉजिक क्या बोलता है. लॉजिक ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो पाइप है, ये एक पाइप है जिसका लेंथ लेट अस से L1 है. आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ पाइप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ एयर कॉलम टेम्परेली. राइट, ओके. और एक दूसरा पाइप है जिसका लेंथ अलग है लेकिन डायमीटर सेम है L2. दोनों में तो एयर ही होगा, दोनों में एयर ही है, दोनों में एयर कॉलम है. दोनों में एयर कॉलम है तो एयर कॉलम में स्पीड तो सेम होगा, है ना? स्पीड सेम होगा ना इसका, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल. तो यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी. राइट, सो व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स will be same in both the pipes. Right? क्योंकि एयर का, एयर में जो साउंड का स्पीड है, यहाँ पे हम लोग साउंड वेव ही तो भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. तो साउंड का स्पीड एयर में फिक्स होता है अगर टेम्परेचर सेम है दोनों एयर कॉलम में तो. राइट, so doesn't matter really then. So therefore what you can write is, पहले केस में आपको मिलेगा V equal to, you must know कि हमारे पास for a pipe open and open at both the ends के लिए अभी हमने equation लिखा था fundamental frequency के terms में लिखा था. अगर आपको याद होगा तो बता देता हूँ. fundamental frequency ये where we have fundamental frequency by the way. ये आ गया हमारा फंडामेंटल फर्स्ट मोड. राइट, तो यू शुड पे अटेंशन हियर दिस वन. यहाँ से वी क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ एन एन, है ना? फ्रॉम हियर यू विल राइट वी इक्वल टू 2 nn. तो ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. तो वी इज इक्वल टू 2 nn. राइट, हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं. बट
पाइप का लेंथ अलग अलग है तो टू टाइम्स ऑफ एन वन एल वन, राइट? ओके, दिस इज अ फर्स्ट पाइप, फॉर फर्स्ट पाइप एंड वी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल विल बी सेम बिकॉज द गैस इज सेम, एयर है वहां पे, टू टाइम्स ऑफ एन टू एल टू फॉर सेकेंड पाइप। सिर्फ करना क्या है, वेलोसिटी दोनों में सेम है इतना बोलना है। टू एन वन एल वन कहाँ से है मैंने बताया, एन वन इज इन दिस केस इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप एंड एन टू इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड पाइप। चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, वेयर एन वन इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फर्स्ट पाइप एंड एन टू इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे ओवरटोन्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे हम ओवरटोन की बात ही नहीं कर रहे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एन वन ऑफ फर्स्ट पाइप एंड एन टू ऑफ सेकेंड पाइप, राइट? तो ये आ गया आपका इक्वेशन वन, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू। क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो ये भी सेम आएगा, टू एन वन एल वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन टू एल टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो एन वन एल वन इक्वल टू एन टू एल टू आ गया। हमें क्या फाइन करना था, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन अभी तक तो आया ही नहीं इक्वेशन में, लाओ फिर एन वन वन तो पता है, ये क्या आएगा आपका एल वन प्लस टू टाइम्स ऑफ ई। एल वन क्यू, क्योंकि पहले पाइप का लेंथ अलग है, और ई वन नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि डायमीटर सेम है, तो दोनों केस में एंड करेक्शन ई होता है 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर सेम है, इज इक्वल टू एन टू एल टू प्लस टू टाइम्स ऑफ ई, राइट? तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज एन वन एल वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एन वन ई इक्वल टू एन टू एल टू प्लस टू टाइम्स ऑफ एन टू ई। तो उसी ब्रैकेट को सिर्फ एन वन से मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, एन टू को राइट हैंड साइड पर। माई टास्क वॉज, आर टास्क वॉज टू फाइंड आउट एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन फाइंड करना है, तो एंड करेक्शन जिस 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 किसी टर्म में दिख रहा है उसको एक साइड पे लेके जाओ। तो व्हाट आई कैन डू इज दिस, बहुत सिंपल केस है ये, इट्स नथिंग एक्चुअली, आई एम सॉरी। सो आई कैन राइट डाउन एन वन एल वन माइनस एन टू एल टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन टू ई माइनस टू टाइम्स ऑफ एन वन ई। So n1 l1 minus n2 l2 equal to 2 times of e common n2 minus n1. So e आपको मिल जाएगा यहाँ पे n1 l1 minus n2 l2 upon 2 times of n2 minus n1. ये हो गया आपका end correction in terms of length and fundamental frequency, right? If you want इसको आप उल्टे तरीके से लिख सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट दिस एज e इक्वल टू एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एन वन माइनस एन टू। बस वो माइनस माइनस साइन एडजस्ट किया है। सो दिस गिव्स यू एंड करेक्शन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ टू पाइप, राइट? सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर, जैसे हम आपने फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स किया, वैसे फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड। सो फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, इसके लिए भी कर सकते हो आप। हाउ, इट इज सिंपल, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन से चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन विल बी सेम, एवरीथिंग द पैटर्न विल बी केप्ट सेम, ओके? तो वापस से हमने क्या किया कि हमारे पास दो पाइप है,
एक का लेंथ एल वन है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन वन होगा। दूसरे का लेंथ एल टू है, डायमीटर सेम ही रख रहा हूँ मैं, राइट, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन टू है। सो अगेन ऑन द सेम लाइंस वी नो दैट velocity of vibration of air particles will be same velocity of just a minute yeah velocity of vibration of air particles will be same in both the pipes तो आप लिखोगे यहाँ पे बेसिकली इफ यू नो दिस इज वी इज इक्वल टू, नाउ यू हैव टू रिमेम्बर फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था उससे आपका आएगा 4NL, ये याद होना चाहिए। तो 4N1L1 और ये आएगा V इक्वल टू 4N2L2 फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड V इज इक्वल टू 4NL आता है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग फॉर लैमडा। कहाँ से स्टार्ट करते हो, V इज इक्वल टू एन लैमडा, फिर लैमडा को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखते हो, राइट, ये आपको याद रहना चाहिए, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग, ओके राइट। तो देयरफॉर यू विल गेट 4 टाइम्स ऑफ N1L1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N2L2, 4 कैंसिल, therefore you will get N1L1 equal to N2L2, therefore L1 is what, small L1 plus E, E1 E2 मत लिखना, diameter same है, N2 small L2 plus E, और सिर्फ plus E को लिख रहा हूँ, 2E को नहीं लिख रहा हूँ, because you know pipe closed at one end will have end connection only at one end, तो ये आ गया आपका therefore N1L1 plus N1E is equal to N2L2 plus N2E, simple, okay, so I will have N1E minus N2E is equal to, as you can see from here, N2L2 minus N1L1, N2L2 minus N1L1, तो E common निकल लिया, N1 minus N2 आ गया, N2L2 minus N1L1, so E आपको मिल गया यहाँ पे N2L2 minus N1L1 upon N1 minus N2. So this is the formula for end correction, right? There is something missing here, of course. What is missing here? You need to check. So this is what you should get. So in some textbooks, you have extra 2 here, which is not correct, right? So ye yaad rakhna, when you are determining end correction of a pipe open at both ends, अच्छे से सुन लो, उस केस में नीचे एक 2 extra factor आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि पाइप दोनों एंड पे ओपन था, तो एंड करेक्शन दोनों एंड पे होता है, इसलिए 2 आता है। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यू डोंट हैव एनी 2 इन द डिनोमिनेटर। मेनी बुक्स हैव डन दिस प्रिंटिंग मिस्टेक, यू कैन से नीचे एक एक्स्ट्रा 2 डाल दिया है, दैट इज नॉट करेक्ट, सो यू डोंट हैव टू पुट दैट 2 देयर। इफ यू आर रेफरिंग टू टेक्स्ट बुक्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक। So we will stop here, and in the next session we will start with grid formation.